नमस्ते, राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम आपके डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी कई सारे एनिमल्स पढ़ लिए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार मैं आपको एक नई चीज़ करा रही हूँ, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे रिलेट करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसा आपका पेपर आता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैंने कंप्लेंट सुनी कि मैम मेरे सारे सब्जेक्ट में क्लियर हो गए, मेरा इसमें बैक लग गया या उसमें। तो ऐसा इसलिए होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप लिख के नहीं आते हैं, ठीक है, आप लिख के सब कुछ आते हैं, आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं कि क्या लिखना है, उसमें गलती होती है। इसी वजह से आप कुछ आंसर कभी कुछ लिख के आ जाते हैं, जिसकी जगह पे आपका गड़बड़ हो जाता है, और ऐसा हो जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि वो उन्होंने पढ़ाई नहीं की, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक आप अपना नोट्स बना रहे हैं, तो क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है ना, तो क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करनी। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने जाएंगे, हर जगह आपको बोला जाएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले देखिए। उससे आपको आइडिया लगता है कि आखिर पेपर में पूछा क्या जा रहा है। आपकी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, और अगर आप पेपर में अच्छा करके नहीं आ रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, अगर आप उस तरीके से पढ़ लेते हैं, तो 100% तो गारंटी कोई नहीं देता है, लेकिन 90% गारंटी है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे, और आपको उस चीज़ की नॉलेज भी हो जाएगी कि कैसे मुझे करना है, क्या पढ़ना है। तो अगर आपको कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, या डेली अपडेट्स आपको चाहिए वीडियोज़ के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। अगर आप सिलेबस के बेस पे देखेंगे तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा का सेलियंट फीचर पढ़ना है। आप सबने अभी तक देखा कि और सारे एनिमल में क्या था, पर्टिकुलर एनिमल्स आपको पढ़ने थे। जैसे पोरीफेरा में आपको साइकॉन पढ़ना था, ठीक है, उसी तरीके से प्रोटोजोआ में आपको मोनोसिस्टिस, उसके बाद से आपको पैरामीसियम युगलीना पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे इसका सिर्फ सेलियंट फीचर, मतलब जनरल फीचर्स पढ़ने हैं, और दो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। एक पेपर में पूछा गया था सेलेंट फीचर ऑफ टीनोफोरा, दूसरी जगह पूछा गया था कॉम्ब जेली। हम टीनोफोरंस को ही कहते हैं। अब देखिए, यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक नाम आपने और पढ़ा था मून जेली, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर। मून जेली हम ऑरेलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑरेलिया को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है कॉम्ब जेली, टीनोफोर्स को कहते हैं, ठीक है। तो दो क्वेश्चन अभी इसे इस तरीके के पूछे गए हैं। तो देखिए, कॉमन नेम भी लेके पूछ सकता है, जैसे कॉम्ब जेली इसका कॉमन नेम है, तो कॉम्ब जेली इसका और भी कॉमन नेम है सी वॉलनट, ठीक है, सी वॉलनट, इससे भी पूछ सकता है। तो किसी नाम से पूछे, आपको नाम से अगर पता है तो आप लेके उसको कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पैटर्न की तरफ। तो साइलेंट फीचर हम देखें तो कुछ इस तरीके का दिखने वाला ये क्या होता है, एनिमल होता है, ठीक है, चमकीले तरीके का दिखने वाला। इस तरीके से इसमें लाइटनिंग होती है, तो आपको देख के अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे लाइटनिंग आपको दिख रही होगी, यहाँ तो ये लाइटनिंग इनमें पाई जाती है, ठीक है। और अगर इनका डाइसेक्शन थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, ठीक है, जूम कर दूँ मैं थोड़ा सा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 8 कॉम्ब प्लेट्स, इस तरीके की ये जो प्लेट है ना, इस तरीके की आपको 8 कॉम्ब प्लेट इसमें देखने को मिलेंगी, इस तरीके की 8 कॉम्ब प्लेट्स इनको मिलेंगी, ठीक है। इनके नाम भी दिए गए हैं कि क्या क्या इनमें पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका एनल पोर है, जहाँ से एक्सक्रीशन होगा, एनल कैनाल है। यहाँ पे स्टैटोसिस्ट इनके पाए जाते हैं, जो कि क्या होंगे, किसी भी एनिमल पे अटैक करने के लिए, जो इनका डिफेंस, ऑफेंस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वर्क करता है, वो होता है। टेंटेकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये इनका मेरिडियोनल कैनाल होता है, MC का मतलब होता है मेरिडियोनल कैनाल, TS का मतलब होता है टेंटिकल सीथ्स, इनके पाए जाते हैं टेंटिकल के सीथ, ठीक है। ट्रांसवर्स कैनाल्स इनके यहाँ पे पाए जाते हैं, इस तरीके से। CDPD इनका एक टीनोफोर होता है, सी गूजबेरी के नाम से भी इनको जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया। तो चलिए हम समझते हैं, तो टीनोफोर्स को टीनोफोर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कॉम्ब बियरर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्ब रोज पाए जाते हैं, 8 कॉम्ब रोज इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। 8 कॉम्ब रोज पाए जाते हैं, टीनोफोर का मतलब ही होता है कॉम्ब बियरर, ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉम्ब बियरर, ठीक है।
कॉम्ब रोज ऑफ फ्यूज सीलिया अरेंज अलॉन्ग द साइड ऑफ द एनिमल टीनोफोर। ये एनिमल डे जो टीनोफोरा है उसमें 8 आपको प्लेट इस तरीके से देखने को मिलेंगे। बेसिकली आप प्रैक्टिकल में इनके एनिमल्स को पढ़ेंगे तो इस तरीके से 8 कॉम्ब प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वोरेसियस फीडर होते हैं, मतलब ऐसे एनिमल जो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, ठीक है। वोरेसियस फीडर का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ये खाते हैं। जैसे वोरेसियस फीडर में आप उसको गोट को कंसीडर कर सकते हैं, बकरी, ठीक है। वो भी क्या होती है, वोरेसियस फीडर होती है। या कैटरपिलर आपने देखा होगा, कैटरपिलर लार्वा जो होता है वो भी पत्ती पे इतना जल्दी जल्दी से फीड करते हैं, ऐसे फीडर्स को वोरेसियस फीडर्स कहते हैं, ठीक है। मैं टर्म आपको समझाते चलती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इनको कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है, क्यों जाना जाता है मैंने बता दिया। सी गूसबेरीज के नाम से जाना जाता है। सी वॉलनट, वॉलनट की तरह दिखते हैं आप, वॉलनट कभी देखेंगे, वॉलनट मीन्स अखरोट, ठीक है। तो अखरोट आप देखेंगे तो इस तरीके से गोल होते हैं और उन पे भी ऐसी लाइनिंग पाई जाती है, इसी वजह से इनको सी वॉलनट्स भी कहते हैं। वीनस गर्डल्स के भी नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है, वीनस गर्डल्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, स्टिंगिंग सेल नहीं पाए जाते हैं, अनलाइक निडेरियंस। अब निडेरियंस क्या था, इसके पहले आपने टीनोफोर्स पढ़ा, उनमें स्टिंगिंग सेल पाए जाते थे, इनमें ये स्टिंगिंग सेल नहीं पाए जाते हैं। इनमें इनकी जगह पे है स्टिकी सेल पाए जाते हैं जिनको कोलोब्लास्ट कहा जाता है। तो कोलोब्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके टीनोफोर्स में प्रेजेंट होता है। जो काम स्टिंगिंग सेल का होता है वो काम यहाँ पे कैच को, मतलब प्रे यानी कि जिस एनिमल को ये खाएंगे मान लीजिए, उसको पकड़ने का काम कोलोब्लास्ट सेल करता है। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। अगर टीनोफोरा में स्टिंगिंग सेल, सॉरी सिलेंट्रेटा में स्टिंगिंग सेल पाया जाता है और टीनोफोरा में कोलोब्लास्ट सेल पे अगर थोड़ा शॉर्ट नोट आ जाता है एक दो नंबर का तो आप लिख सकते हैं कि कोलोब्लास्ट सेल टीनोफोर्स में पाए जाते हैं, स्टिकी सेल्स होते हैं, किसी भी प्रे को कैच करने में हेल्प करते हैं। स्पेशल सीलिया इन द माउथ आर यूटिलाइज बाई फ्यू स्पीसीज टू बाइट जिलेटिनस प्रे। अब इनके माउथ पे कुछ स्पेशल सीलिया इस तरीके से पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, प्रे, जिलेटिनस प्रे जो होते हैं, जो थोड़े जेली लाइक प्रे होते हैं, समुद्र में कई सारे पाए जाते हैं, उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं। इनमें बायोल्यूमिनेसेंस देखा जाता है। बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस का मतलब होता है एनिमल विथ लाइट, ऐसे एनिमल जिनमें चमक हो, जैसे कि जुगनू। जुगनू आप सबने देखा होगा, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेंबर फाइलम। इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे आप जुगनू देखते होंगे इस तरीके से फ्लाई करता है तो पीछे इस तरीके से क्या होती है, उसकी लाइटनिंग पाई जाती है, ठीक है। अगर मैं जुगनू का कलर आपको दिखाऊं तो इस तरीके की लाइटनिंग पीछे पाई जाती है। ये जो लाइटनिंग होती है ये बायोल्यूमिनेसेंस इस प्रोसेस को कहते हैं। और इस बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस आपके जुगनू के अलावा कहाँ पाया जाता है, इनमें कॉम्ब जेलीज में पाया जाता है। रात में आप समुद्रों में जाकर देखेंगे इन कॉम्ब जेलीज को तो ये ऐसी चमकती हुई दिखती हैं, ठीक है। तो बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या हो गया, कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, 8 कॉम्ब प्लेट पाए जाते हैं, कॉम्ब जेली, कोलोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करती हैं, प्रे को पकड़ने का काम करती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस पाया जाता है, ठीक। गूसबेरी के नाम से, सी वॉलनट के नाम से, वीनस गर्डल के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर बात करें तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका साइज और शेप कैसा होता है। अगर कैरेक्टर आपसे कह दे मॉर्फोलॉजी तो मॉर्फोलॉजी में आप क्या बताएंगे, यही सारे किसी की मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फो का मतलब होता है आउटर, आप आउटर उसको देख के क्या बता सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे आपकी मॉर्फोलॉजी क्या, तो आप अपने फीचर्स ही बताएंगे ना कि आप टॉल हैं, आपके आईज कैसी हैं, आपके आईब्रोज कैसे हैं, आपके हेयर कैसे हैं। मॉर्फोलॉजी में क्या, बाहर के कैरेक्टर को देख के बताएंगे। तो इनकी मॉर्फोलॉजी में साइज एंड शेप की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक फाइलम, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्फीरोइड होते हैं, मतलब गोल होते हैं, ठीक है। 0.04 इंच के स्फीयर का मतलब होता है गोला, और 4.59 फुट के रिबन लाइक होते हैं। ये लोब शेप्ड के एनिमल होते हैं, लोब लाइक, ठीक है। हैबिटेट की अगर इनकी हम बात करें तो ये केवल और केवल सी में पाए जाते हैं, सॉलिटरी होते हैं, एक जगह पे पाए जाते सॉलिटरी होते हैं और फ्री, सिंगल होते हैं, सॉलिटरी में सिंगल और फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब फ्रीली स्विम करते हैं, अच्छे से स्विमिंग करते हैं ये, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब अगर इनके जर्म लेयर की बात करें तो दो ही लेयर पाई जाती है, एंडोडर्मिस
और एक्टोडर्मिस, ठीक है, मीजोडर्म नहीं पाया जाता। अभी तक आपने क्या पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा, पोरीफेरा पढ़ा, सीलेंट्रेटा पढ़ा पढ़ा और अब टीनोफोरा आप पढ़ रहे हैं। यहाँ तक के एनिमल में आपके अभी तक आपने केवल डिप्लोब्लास्ट पढ़ा, मतलब जो जर्म लेयर होती है उनमें केवल दो ही लेयर पाई जाती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। पेयर ऑफ लॉन्ग फर्म रिट्रैक्टाइल टेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लॉन्ग होते हैं। प्रोट्रूड मतलब बॉडी से बाहर निकले होते हैं, प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलना, निकले होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, मतलब थोड़े आभासी, परभासी, मतलब ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है मतलब पूरी तरीके से ये मतलब ओपैक भी नहीं होता है कि मतलब आपको कुछ ना दिखे आर पार, और ऐसा भी नहीं होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत दिखाई देता है। जैसे आप बटर पेपर अगर लेंगे तो बटर पेपर से आपको पीछे की थोड़ी चीज़ें दिखाई देती हैं, उस तरीके के होते हैं। सॉफ्ट और लैक ऑफ सेगमेंटेशन, उनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन, इस तरीके के सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बाय रेडियल सिमेट्री इनमें पाई जाती है, मतलब अगर इनको इस तरीके से कट देंगे तो दोनों अलग अलग आपको दो पार्ट मिल जाएंगे। जैसे ह्यूमंस को आप कट करेंगे तो बाय रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, एक इधर इधर का पूरा पार्ट मिल जाता है, तो बाय रेडियल सिमेट्री होती है। टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इनमें, मतलब सेल्स नहीं रह गए, अब टिशू भी इनमें आ गए हैं। कॉम्ब्रोज 8 स्टैंड ऑफ सीलिया होते हैं जो कि इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, इनकी मूवमेंट इसी कॉम्ब लाइक रू से होती है, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट की क्रिएचर होता है, मतलब मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाई जाती है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब सी में होगा, इनका स्पर्म इस तरीके से और ओवा सी में आ जाएगा ऐसे समुद्र में, और यहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा। एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब इनमें लार्वा का फॉर्मेशन होगा, किसी ना किसी लार्वा, कहीं भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब आपका क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद एक लार्वा बनेगा, उस लार्वा का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगा और उस मेटामॉर्फोसिस के बाद एनिमल बनेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में आपने आप साथ के साथ, मैं होप करती हूँ कि पेपर सेकंड भी पढ़ते चल रहे होंगे, कॉर्डेट वाला, वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जा रहा है, यहाँ भी मैंने बता दिया। एक्सटर्नल होता है इनका डाइजेशन, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों जगह पर होता है। दे हैव एबोरल सेंस ऑर्गन कॉल्ड स्टेटोसिस्ट और बैलेंस, एबोरल मतलब यहाँ, ये ओरल सरफेस हो गया और ये एबोरल सरफेस हो गया, तो एबोरल सरफेस पे इनके स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, ऊपर भी मैंने बताया, बैलेंस करने का काम करते हैं। दे डोंट हैव सेपरेट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के लिए और रेस्पिरेशन के लिए कोई सेपरेट ऑर्गन नहीं होता है, बॉडी सरफेस से ही, यही बॉडी सरफेस से ही ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर, या जो भी इनका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है अमोनिया वगैरह, वो NH3 बाहर निकल जाता है, तो जनरल बॉडी सरफेस से इनका एक्सक्रीशन वगैरह होता है। अच्छा, टीनोफोरा के इम्पॉर्टेंस क्या है, हम पढ़ते क्यों, कभी हो सकता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम टीनोफोरा को, ठीक है। तो इकोनॉमी में इनका क्या इम्पॉर्टेंस है, मतलब इकोनॉमिकली, जैसे कोई चीज़, जैसे हम एल्गी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कोई भी फाइलम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उनका इकोनॉमिक क्या इम्पॉर्टेंस है, तो इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। जब डाइविंग करते हैं, डाइविंग का मतलब गोता लगाना पानी के अंदर, जब डाइविंग की जाती है, एंड स्नॉर्कलिंग, ठीक है, डाइविंग स्नॉर्कलिंग करते हैं लोग, एक वंडरफुल व्यू क्रिएट करते हैं। जैसे रात में अगर आप कहीं जुगनू बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ लोग देखने जाते हैं, तो एक वंडरफुल व्यू क्रिएट होता है, उसी तरीके से वाटर में लोग इसको देखने जाते हैं। तो जिस जगह पे ये पाए जाते हैं वहाँ के लोग मतलब कुछ पैसा लेते होंगे और उसको दिखाने का काम करते होंगे, जो डाइवर्स होंगे, जो गोताखोर होंगे, वो दिखाने का काम करते होंगे, तो इससे डाइवर्स को पैसा मिलता है, तो ये हो गया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ठीक है। टीनोफोरा का जेनेटिक्स जो है एडवांटेजियस है, टीनोफोरा इंस्टेंसियस ल्यूमिनेसेंस इनमें पाया जाता है, जो कि बायोमार्कर या बायोटैक ही, इनमें बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। तो आप DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे उसमें फ्लोरेसेंस का, डाई का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को मार्क करने के लिए या देखने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ विजिबल नहीं है तो उस पर कलर आप लगाएंगे ताकि वो दिखे, जैसे स्टेनिंग करते हैं, उसी तरीके से बायोफ्लोरेसेंस बायोमार्कर या बायोटैग की, तो किसी चीज़ को टैग करने के लिए यूज किया जाता है। जब आप फिंगरप्रिंटिंग उन्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे।
इनके जीन जो बहुत होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जनरेटिंग डिफरेंट ग्लोइंग कैट्स, माइस, अदर एनिमल्स एंड ऑब्जर्विंग वेदर जेनेटिक चेंज। इनकी जीन्स को किसी एनिमल के अंदर यूज़ करके उसके अंदर देखा जाता है कि वो ल्यूमिनेसेंस, वो चमक आ रही है या नहीं। इन्वायरमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेज द प्लैंकटॉन पॉपुलेशन अंडर वाटर बिकॉज दे ब्रीड क्विकली एंड आर गुड प्रीडेटर्स। देखिए, अगर कोई भी एनिमल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उससे क्या होगा कि दूसरा एनिमल अफेक्ट होगा। मान लीजिए लायंस बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी इस सोसाइटी में तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देंगे ह्यूमन को। उसी तरीके से प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, प्लैंकटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम ये जो होते हैं आपके टीनोफोर्स ये करते हैं, क्योंकि ये जो है उनके प्रीडेटर होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं, ठीक, इस वजह से वो कंट्रोल रहते हैं। दे कैन बी हंग्री एंड श्रिंक वेन फूड इज स्कार्स एंड दे कैन अडॉप्ट हाई टेम्परेचर गिविंग देम एज इन शिफ्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। इनका बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर ये हंग्री हैं तो, और मान लीजिए फूड की कमी है तो अपने आप को श्रिंक कर लेंगे, छोटे कर लेंगे और एज पे जाके बैठ जाएंगे, जब क्लाइमेटिक कंडीशन आएगा तब ये फिर से अपनी बॉडी को इनलार्ज कर लेते हैं और फूड में की खोज में निकल जाते हैं। तो होपफुली आपको इनके सारे कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या होते हैं। सीडीपी इनके लार्वा को हम सीडीपीड लार्वा कहते हैं, एक बात और जान लीजिए, सीडीपीड लार्वा इसका लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। कई सारे इनके एनिमल्स होते हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं है, होपफुली सैलियंट फीचर ऑफ टीनोफोर आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, थैंक यू एवरीवन।